नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। कल है फैसले का दिन। जी हां, महाराष्ट्र की सत्ता पर कौन करेगा राज ये तय हो जाएगा कल, क्योंकि कल आ रहा है महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव का रिजल्ट। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी घमासान जो है वो काफी तेज हो गया है। महाविकास आघाड़ी और महायुति नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है, वहीं छोटी पार्टियां भी सरकार गठन की प्रक्रिया में सक्रिय हो गई हैं। इनके बीच अब तक की तस्वीर साफ दिख रही है कि मुख्यमंत्री पद पर छिड़ी ये जंग सात प्रमुख चेहरों के बीच में सिमट कर रह गई है। यानी कि जो सात चेहरे हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इन्हीं में से 99% होगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री। वो कौन चेहरे हैं, चलिए आपको रूबरू करवा देते हैं। पहला चेहरा है देवेंद्र फडणवीस का। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री पद का सबसे मजबूत उम्मीदवार कोई है तो वो है देवेंद्र फडणवीस। एक अनुभवी नेता जो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और गठबंधन सरकार चलाने का अनुभव रखते हैं। फडणवीस महायुति की सरकार बनने की स्थिति में सबसे आगे हो सकते हैं। हालांकि पार्टी के सियासी पैटर्न को देखते हुए ये भी संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी नया चेहरा प्रोजेक्ट कर सकती है। वहीं इसके अलावा दूसरा नाम जो सबसे ज्यादा लिया जा रहा है वो है एकनाथ शिंदे का। वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी इस दौड़ में प्रमुख दावेदार हैं। अगर उनकी पार्टी किंगमेकर की भूमिका में आती है तो मुख्यमंत्री बनने की संभावना प्रबल हो जाएगी। शिंदे की लड़की बहन योजना ने उन्हें मुख्यमंत्री यानी कि मुख्यमंत्री के तौर पर महाराष्ट्र में एक अलग पहचान दी और उनके समर्थक भी उनके मुख्यमंत्री बनने के पक्ष में है। इसके अलावा नाम आता है उद्धव ठाकरे का। महाविकास आघाड़ी के प्रमुख नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस समय मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हैं। अगर महाविकास आघाड़ी को बहुमत मिलता है तो ठाकरे का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। इसके अलावा नाम आता है जयंत पाटिल का। एनसीपी के वरिष्ठ नेता शरद पवार के करीबी जयंत पाटिल भी मुख्यमंत्री पद के प्रबल उम्मीदवार हैं। शरद पवार ने हाल में ही संकेत दिया था कि जयंत को अब महाराष्ट्र के लिए काम करना चाहिए, जिससे उनकी मुख्यमंत्री बनने की संभावना पर चर्चा तेज हो गई है। इतना ही नहीं, इस लिस्ट में अजीत पवार का नाम भी बहुत अहमियत रखता है। शरद पवार के भतीजे और बीजेपी गठबंधन में शामिल अजीत पवार भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं। वो कई बार मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं और अगर उनका नेतृत्व सरकार बनने की स्थिति में आता है तो वो इस पर मोल भाव भी कर सकते हैं। अजीत पवार पहले भी कई बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें अगले उम्मीदवार की तो सुप्रिया सुले का नाम भी बहुत लिया जा रहा है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी मुख्यमंत्री बनने की संभावना रखने वाली अहम नेता है। हालांकि शरद पवार ने इसे नकारा है। अगर पवार के नेतृत्व में एनसीपी एक मजबूत भूमिका निभाती है तो सुप्रिया सुले महाराष्ट्र की सत्ता संभाल सकती हैं। इसके अलावा नाना पटोले का नाम लिया जा रहा है। कांग्रेस के नाना पटोले भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे हैं। उन्होंने चुनाव के बाद भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस इस बार मजबूत स्थिति में आएगी और वो मुख्यमंत्री पद पर काबिज होंगे। पटोले जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं, राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। फिलहाल ये नाम तो चर्चा में है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनना, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा की कुल 288 सीटों में से सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को 145 विधायकों की जरूरत है। इस बार राज्य में सरकार गठन के लिए पार्टियों को सिर्फ 3 दिन का समय मिला है। अगर इस दौरान सरकार गठन नहीं होता तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त होगा और अगर सरकार नहीं बनती है तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकते हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में इस बार एनडीए और इंडिया के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जिससे राज्य की राजनीति में हर कोई मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में शामिल है। लेकिन कल नतीजों के बाद एकदम साफ हो जाएगा कि आखिर महाराष्ट्र की सत्ता की कुर्सी पर इस बार कौन करेगा राज। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।